मंडी जिला के तहत नाचन विधानसभा क्षेत्र के महादेव में पांडवों के अज्ञात वास का गवाह और प्राचीन शंभुनाथ शिव मंदिर में देर रात चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए करीब 10 लाख रुपए की चांदी पर तकरीबन 25,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। पुलिस छानबीन में जुटी है। मंडी जिला के तहत नाचन विधानसभा क्षेत्र के महादेव में पांडवों के अज्ञात वास का गवाह और प्राचीन शंभुनाथ शिव मंदिर में देर रात चोरों ने वारदात को अंजाम देते हुए करीब 10 लाख रुपए की चांदी व तकरीबन 25,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने रात तक करीबन 1 बजे वारदात को अंजाम देते हुए चांदी की ज्वेलरी, चांदी का त्रिशूल, चांदी की शेषनाग प्रतिमा व दो दान पात्र के ताले तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना का पता सुबह केस में चला, जब स्थानीय निवासी नंदलाल वर्मा मंदिर में पूजा हेतु करने आए तो देखा कि मुख्य दरवाजे व दान पात्रों ताले टूटे हुए थे और चांदी का सामान गायब पाया था, जिस पर उन्होंने मंदिर कमेटी व अन्य लोगों को सूचित किया। बीएसएल पुलिस थाना प्रभारी प्रकाश चंद मिश्रा की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगाले, जिसमें दो चोर वारदात को अंजाम देते नजर आए। पुलिस छानबीन में जुटी है। इस दौरान कुछ प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा एक स्कूटी और नीले रंग का वाहन यहां पर देखा और ये चोर पहले मंदिर से आगे जाते हैं और फिर उसके बाद फिर वापस आते हैं। इससे पहले भी जिला के कई प्राचीन मंदिरों में चोर चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें से कई घटनाओं का पुलिस पर्दाफाश कर चुकी है। वही कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां हुई चोरी की घटनाओं का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आज सुबह बीएसएल कॉलोनी पुलिस स्टेशन में सूचना मिली कि शिव मंदिर महादेव में चोरी हुई है, जिस पर मौका पर आए थे, मौका पर स्पॉट विजिट किया है और इसमें मामला दर्ज करके तफ्तीश जारी करिए, शीघ्र ही चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज निकाली है, उनको भी एनालाइज किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं और जो रिजल्ट आएगा सभी कैमरों को चेक किया जा रहा है ताकि हम चोरों तक पहुँचने में कामयाब हो जाएँ। सर, इसके साथ ही अन्य एक मंदिर में भी चोरी हुई है? अन्य यहाँ तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन बाकी मंदिरों को भी चेक किया जा रहा है कि वहाँ भी कैमरे लगे हुए हैं कि वहाँ के चोरी करने का प्रयास न किया हो।